ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आइए प्रिय बहन भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता परम ज्ञान की दाता है, मुक्ति दाता है, भगवान से मिलाने वाला ज्ञान है, आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सभी प्रकार का ज्ञान भागवत गीता से प्राप्त हो जाता है। भागवत गीता का पठन पाठन श्रवण बड़ी श्रद्धा के साथ मनुष्य को करना चाहिए तो परम लाभ की प्राप्ति हो जाती है। परम प्रभु परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम उदय हो जाता है। प्रेम उदय होने से ही हमारा कल्याण हो पाता है, बाकी कोई मार्ग नहीं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलिसंतरण उपनिषद के ये शब्द हैं। चैतन्य महाप्रभु जी इन शब्दों को बहुत दोहराते थे अपने जीवन काल में, लीला काल में, कि केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही एकमात्र मार्ग है उस परमात्मा उस परमेश्वर से मिलने का। दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। स्पेशली ये कलयुग के अंदर, कलयुग यानी कलह युग, जहां बात बात पे झगड़े हैं, शोर शराब, जलन ईर्ष्या, तमोगुण रजोगुण ज्यादा प्रबल है कलयुग में, सतोगुण न्यूनतम है। सतयुग में सतोगुण पूर्णतम होता है, त्रेता में घट जाता है, रजोगुण प्रबल होने लगता है। द्वापर में पूर्णतया रजोगुण और तमोगुण दोनों ही प्रवेश हो जाते हैं, लेकिन कलयुग में पूर्णतया तमोगुण सवार अधिक हो जाता है जब कलयुग की आयु आगे पहुंचती है। हरि का नाम एकमात्र मार्ग क्यों है? क्योंकि हरि का नाम लेने से भगवान हरि का प्रेम हमारे हृदय में उदय होता है। जैसे एक मां अपने बच्चे को बार बार बुलाती है, मोहन बेटा, मोहन मोहन, रोटी खा ले, मोहन लेट जा, मोहन बैठ जा, मोहन स्कूल जा, मोहन होमवर्क कर, बार बार मोहन मोहन कहते कहते मोहन नामक बच्चे से उसका प्रेम इतना उदय हो जाता है कि मोहन के बिना वो नहीं रह सकती। इसी प्रकार से भक्त जब भगवान के नामों का, पवित्र नामों का जाप करता है, उच्चारण करता है, कीर्तन करता है, तो उसके हृदय में प्रभु का प्रेम प्यार भर जाता है।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो कृष्ण जहां भी होंगे उनके हृदय में उनका प्रेम भरने लगता है नाम जप करने से पवित्र नाम उच्चारण करने से. इसलिए कलि संतरण उपनिषद के ऋषियों ने और चैतन्य महाप्रभु जी ने बार बार इसको क्यों दोहराया, कलयुग के लिए स्पेशली हरि का नाम एकमात्र मार्ग है कल्याण का, उस भगवान के धाम को जाने का, उस शाश्वत शांति का. मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम पावनेभ्यो अपि पावनम हरिर्नाम एव केवलम. केवल हरि का नाम पवित्र करने वालों में अति पवित्र है, मंगलकारियों में अति मंगलकारी है, मधुरतम वस्तुओं में सबसे अधिक मधुरतम है. काचायाम विस्मृतम रत्नम. अरे मनुष्य, इन कांच के टुकड़ों के बदले में असली रत्न को असली हीरों को छोड़ रहा है. और असली हीरे क्या है? हरेर नाम एव केवलम, हरेर नाम एव केवलम, आब्रह्म पर्यंत सर्वत्र सर्वमाया मयम जगत. छोटे कण से लेकर के चीटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक ये सारा संसार मायामय है, यानी ब्रह्म जाल है. ब्रह्म जाल है, इस ब्रह्म जाल में ये जीव फंसा हुआ है. भ्रमित होकर के अंधकार की ओर भागता है, उजाले को त्यागता है. भ्रमित होकर के संसार के भोगों की ओर दौड़ता है और परम भोग भगवान के पवित्र धाम को परमानंद को भूलता है. संसार के भोगों में दुख को ओढ़ता है, दुखों को, दुखों की चदरिया ओढ़ता है और सुखों की चदरिया उतारता है, त्यागता है. यह भ्रम जाल है. इसको भ्रम हो जाता है कि इस नारी में सुख नहीं मिला, दूसरी किसी अन्य नारी में मिलेगा, यह सब भ्रम है. इस शराब को पीने से सुख नहीं मिला, उस शराब को पीने से सुख मिलेगा, यह सब भ्रम है. सिगार पीने से सुख नहीं मिला, सिगरेट में पीने से सुख मिलेगा. भंग पीने से नशा अच्छा नहीं मिला, शायद हीरोइन पीने से, गर्दा पीने से, सफेद पाउडर पीने से मिलेगा. ये सब भ्रम पैदा हो जाता है. भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरे बेटे हैं, पोते हैं, पड़पोते हैं, मेरा मकान है, मैं हूं और मेरा है. वे भौतिक संसार का, भौतिक वस्तुओं का प्रोप्राइटर, मालिक बनने बन जाता है. दरअसल में सच्चाई में मालिक वो नहीं है. मालिक तो सभी सारे सकल भूमि गोपाल की, सभी का तो मालिक, सभी प्रॉपर्टी परमात्मा की है. उसने दिया, उन कृपा करके वो चाहे जब ले सकता है लेता है, ले लेता है वापस. कोई भूपति बनता है, कोई अरबपति बनता है, कोई नारीपति बनता है, है? कोई भी नहीं चाहता खगपति बनूं. सब कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, प्रोप्राइटर मालिक बनना चाहते हैं. तो ये सब भ्रम हो जाता है कि हम मालिक हैं, मैं मालिक हूं. नहीं, मालिक वो है, हम तो उनके दास हैं, हम उनके मैनेजर हैं. ये परिवार उनकी फुलवारी है, उनके बाग बाग है, उनके पुत्र हैं हम सब, उनकी पुत्रियां हैं हम सब. ये बड़ा ज्ञान है, ये गीता से प्राप्त होता है. हरि का नाम पवित्र है, पवित्र करने वाला है.
Sadi bhutadi devam maam. Sadi yagyam chaye viduhu. Sadi bhutadi devam maam. Sadi bhut ye anant bhut 24 tattu. भौतिक रचना करने वाले अनंत ब्रह्मांडों की रचना करने वाले आपके शरीरों की रचना करने वाले ये 24 तत्व भौतिक तत्व ये चांद तारे ब्रह्मांड विराट रूप भगवान का विराट पुरुष ये सादी भूत ये मूल प्रकृति से निकलने वाला सारा संसार विश्व ब्रह्मांड और ये सब जो है ये भगवान का ही एक विस्तार है भगवान ही मूल प्रकृति में विकार पैदा करते हैं तो ये तमाम ब्रह्मांड पैदा होते हैं इनका कारण भगवान है ये पेड़ पौधे पशु पक्षी नर बानर किन्नर गंधर्व देवता सब ये आदिदेव ये सब विराट पुरुष के अंदर समाहित हैं और इनका कारण आदि यज्ञम क्या है परमात्मा यज्ञ पुरुष जो सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप से विराजमान है ये सभी उस गोविंद का विस्तार है एक का ही सारा विस्तारा है मूल रूप में गोविंद है गोपाल है कृष्ण है ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह जिनका विग्रह यानी शरीर सच्चिदानंद मीन इटर्नल है कभी नष्ट नहीं होता शाश्वत शरीर धारी भगवान गोविंद सब कारणों के कारण है सब कारणों के कारण जो इस रूप से जान जाता है भगवान की शरण में जब रहता है तब भगवान के शरणागत भक्त भगवान का चिंतन मनन करता हुआ प्रयाण काले अपि च माम जो इस तरह से एक विदुर युक्त चेत सा जिसकी चेतना जिसकी कॉन्शियसनेस युक्त यानी फिक्स हो जाती है भगवान के श्री चरण कमलों में कभी हटती ही नहीं कभी भूलता ही नहीं भगवान को प्रयाण काले मृत्यु के समय में भी भगवान को नहीं भूलता वह भगवान को प्राप्त कर लेता है भगवान के धाम में चला जाता है वहां भगवान का प्रिय बनकर रहता है आध्यात्मिक वैकुंठ जगत का शरीर धारण करके इस प्रकार से सातवां अध्याय संपूर्ण हुआ लेकिन इसके अंतिम दो श्लोक कहना बहुत जरूरी था आगे आठवें अध्याय में प्रवेश करने के लिए अब हम आठवें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की ओम शांति 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 जय गोपाल श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 अर्जुन वाच भगवान ने कुछ सातवें अध्याय के अंतिम में दो जो दो श्लोक कहे उसमें कुछ ऐसी बातें कह दी कि अर्जुन के हृदय में नए प्रश्न उदय हो गए नए प्रश्नों का आविर्भाव हुआ
अर्जुन पूछने लगे किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोऽसि नियतात्मभिः। भगवान ने कुछ गूढ़ रूप से सभी बातें बतलाई, लेकिन अर्जुन और स्पष्टता से भगवान से जान लेना चाहता है हम सबके कल्याण के लिए। आइए पहले श्लोक में अर्जुन ने क्या पूछा है। अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के अंतरंगा मित्र हैं। अर्जुन से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। भगवान के जो अंतरंगा सखा है उनसे भला क्या छुपा हुआ है। लेकिन भगवान की लीला जो द्वापर में हुई है अर्जुन के साथ, अर्जुन को एक ऐसा रोल दिया गया है, अर्जुन एक ऐसे पात्र का काम कर रहा है जो मोह अंधकार में डूबा हुआ है, जैसे संसार में लोग डूबे हुए हैं अधिकतम। तो ये मोह अंधकार में अज्ञान में डूबे हुए लोगों को किस प्रकार से प्रकाश की ओर लाया जाए, किस प्रकार से भगवान की ओर ले जाया जाए, किस प्रकार से इनको मोक्ष की प्राप्ति हो, वैकुंठ की प्राप्ति हो, भगवत चरणों की प्राप्ति हो। इस संसार के कल्याण के लिए अर्जुन विशेष प्रश्न भगवान से पुनः पुनः करता है। अर्जुन कह रहे हैं कि तद किम ब्रह्म, तो हे कृष्ण अब आपने बात छेड़ ही दी है तो जरा ये बतलाइए कि ब्रह्म क्या है। भगवान ने कहा है कि ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। तो अर्जुन कह रहे किम तद ब्रह्म, तो ये भी बतलाइए कि ब्रह्म क्या है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, ये आध्यात्मता क्या है। किम कर्म पुरुषोत्तमा, हे और हे पुरुषोत्तम ये कर्म क्या है। कर्म नाम से किस वस्तु को जाना गया है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, और अधिभूत नाम से जो आपने कहा है अभी अभी, ये अधिभूत अधिभूत किस को कहा गया है, किस नाम से जाना गया है, अधिभूत किसको कहा गया है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते, और अधिदैव नाम से किन के लिए ये नाम दिया गया है, अधिदैव किसे कहा गया है। अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदना, और इस देह के अंदर अधियज्ञ नाम से जाने वाला परमात्मा विष्णु भगवान, तो यदि अर्जुन कह रहे हैं कि अधियज्ञ कथम कोत्र, ये कहां रहते हैं, ये परमात्मा इस शरीर में कहां रहते हैं अधियज्ञ पुरुष। और प्रयाण काले और मृत्यु के समय, प्रयाण काले च कथम गेयो असी नियतात में भी, जो नियतात में भी यानी आपकी जो भक्ति में रहता है उसको अंत समय में किसका स्मरण करना चाहिए। प्रयाण काले च कथम गेयो सी, किसको जानना चाहिए, उसके भावना में कौन से भाव उदित होने चाहिए, कौन सी जानकारी उदय होनी चाहिए, किसका नाम उदय होना चाहिए, किसका श्री विग्रह के दर्शन करने चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, इत्यादि करके अर्जुन ने पूछा है। अर्जुन के प्रश्न सभी के कल्याण के लिए हैं। अर्जुन कह रहे अंत समय में
जीवन में तो भगवान की भक्ति करना श्रेष्ठ है, क्या अंत समय में भी भगवान की भगवान का स्मरण करना श्रेष्ठ है? इस बात को स्पष्टता से जान लेना चाहते हैं अर्जुन, या कहिए कि हम सबको स्पष्टता से जना देना चाहते हैं अर्जुन भगवान से, भगवान के मुख से, जिससे हमारे हृदय में श्रद्धा पैदा हो भगवान के मुख निष्कृत वाणी की, और श्रद्धा पैदा हो और भगवान के कहे हुए मार्ग को हम अपनाएं। इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्मम उच्चते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये अक्षर ब्रह्म यानी आत्मा जो कभी क्षय नहीं होती, आत्मा सच्चिद आनंद है, सच्चिद आनंद, आप सब आत्मा स्वरूप से हैं, आत्मा है और आप अक्षर हैं, कभी क्षय नहीं होता आपका, कभी लैस नहीं होते आपकी, आप में कुछ बदलाव नहीं आता, विकार पैदा नहीं होता, क्यों कि आप इटर्नल हैं, भगवान के अंश हैं, सत सत्य स्वरूपा है, झूठ स्वरूपा नहीं, सत्य स्वरूपा इटर्नल। पूर्ण ज्ञानी है, सच्चिदानंद, पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण आनंदमय है, सच्चिदानंद, आप सब सच्चिदानंद आत्माएं हैं। भगवान ने कहा कि ये अक्षर यानी सच्चिदानंद ब्रह्म है, ये आत्मा नाम से जाना गया है, ब्रह्म नाम से जाना गया है। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम परम मीन्स आध्यात्मिक, वैकुंठ जगत का, इटर्नल अबाउट का, सत्खंड का, जो संसार के सत्य और झूठ से परे परम सत्य, उसको परम कहा है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्चते, और जो मनुष्य का ये स्वभाव है आध्यात्मिक स्वभाव, मनुष्य या शब्द मैंने कहा है लेकिन मेरा मतलब आत्मा से है, जो आत्मा का परम स्वभाव ओरिजिनल स्वभाव जो है, इसको आध्यात्मिक आध्यात्म नाम से कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ो, तो इसका मतलब क्या है? जिस पुस्तक को पढ़ने से हमको आध्यात्मिकता यानी हमारा ओरिजिनल स्वभाव प्राप्त हो, जो प्रेम स्वरूपा है, ज्ञान स्वरूपा है, सत्य स्वरूपा है, जिस भाव में भक्ति भरी हुई है, जिस भाव में हम तमाम कर्म भगवान के लिए करते हैं, वो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है, उसको अध्यात्म कहा गया है। इसलिए पुस्तकों को, ग्रंथों को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा है, जिन ग्रंथों को पढ़ने से हमको उस पवित्रता को, पवित्रता की फिर से प्राप्ति हो जिसको हम खराब कर चुके हैं, जिसके ऊपर जन्म जन्म पड़त दर पड़त धूल जमा चुके हैं, जो भावना विदूषित हो गई है, विकार युक्त हो गई है, उस विकार को जो शास्त्र हटाता हो, दूर करता हो और हमारी पवित्र भावना को जागृत करता हो, उसे आध्यात्म शास्त्र कहा है। भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्चते, ये सच्चिदानंद स्वरूपा आत्मा अक्षर, जो कभी इसमें बदलाव विकार पैदा नहीं होता,
ये ब्रह्म नाम से जानी जाती है। ब्रह्म नाम से हम भगवान को भी जानते हैं, एक नाम भगवान का भी ब्रह्म है, लेकिन वहां पर हम कभी परम ब्रह्म लगाते हैं कि उस ब्रह्म से, उस परम ब्रह्म, परमात्मा, परमात्मा से ऊपर कोई आत्मा नहीं है, परम ब्रह्म, परम ईश्वर। आत्मा ऐश्वर्यशाली है, ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर। आत्मा के अंदर भी आकर्षण है क्योंकि उस कृष्ण का अंश है, उस आकर्षण का अंश है, इसलिए आकर्षण है। जैसे हीरे पन्ने जवाहरातों की खान में आकर्षण होता है, सब कोई उसकी ओर दौड़ता है, ऐसे ही एक हीरे को अलग कर दो उसमें भी आकर्षण होता है। ऐसे हम उस परमेश्वर के खजाने के ही अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी आकर्षण है। वो परम आकर्षण है, उनको कृष्ण कह के बोला है संस्कृत विद्वानों ने, भक्तों ने, उनसे बड़ा आकर्षण कहीं नहीं है, वो परम आकर्षण है, हम उनके अंश हैं। इसलिए गुरु जी कभी कभी कहते हैं कि आप सब कृष्ण हैं, लेकिन टाइनी कृष्ण, छोटे, बहुत छोटे, अणु के समान। क्षमा कर, हम हमारी इंद्रियों को भी काबू में नहीं कर सकते, समय पर अपने पेशाब को भी नहीं रोक सकते, हमारी कैपेसिटी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन वो तमाम यूनिवर्सेस को कंट्रोल करते हैं, वो नियंता है सबके। ईश्वर परम कृष्ण, इसलिए वो परम आकर्षण, इसलिए उनके भक्त उनको कृष्ण कह के बोलते हैं, बुलाते हैं, नाम जप करते हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अक्षरम ब्रह्म, तो ब्रह्म और पर ब्रह्म, इसमें तो अंतर हो गया। ब्रह्म आत्मा को भी कहा गया है, कभी कभी ब्रह्म भगवान को भी कहते हैं, लेकिन पर ब्रह्म भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं। ब्रह्म ज्योति को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ज्योति करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश एक साथ, उन्हें भी ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वो प्रकाश भी परमात्मा का ही, परमेश्वर का ही प्रकाश है, गोविंद का ही प्रकाश है, गोविंद के विभू से प्रकट होने वाला प्रकाश है। अपना अपना बाजार पिछले 17 सालों तो आप जी की सेवा करता आ रहा है। एक स्विच रहने वाले लिए खुशखबरी, अपना बाजार दी नवी लोकेशन हुन हिक्सविल विच। बतेरे जानकारी लिए हुनी कॉल करो 516-931-2045। अपना बाजार फार्मर मार्केट। Satyam Shivam Sundaram।